नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अच्छी खबर सच्ची खबर लेकर आपके साथ में हूँ शुभम सिंह। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में शामिल हुई। रथ यात्रा का पूजन विधान तो सुबह से ही चल रहा था, शाम को सभी पारंपरिक रस्म अदा करने के बाद भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई। इस बार ये रथ यात्रा 2 दिनों तक चलेगी, यानी भक्तों को कल भी रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ओडिशा के पुरी से सीधी तस्वीरें, जहां रथ यात्रा चल रही है। 2 दिन तक रथ यात्रा चलेगी, जिसमें दर्शनार्थियों को भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा, रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य अवसर प्राप्त होगा। जब निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी, हर तरफ गूंजा जय जगन्नाथ का जयकारा। ये वो अवसर है जिसका भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में इस पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। रथ यात्रा के दौरान हर तरफ आस्था का सैलाब दिखा। रथ यात्रा के मार्ग पर लाखों भक्त मौजूद थे। हर श्रद्धालु अपने भगवान की एक झलक पाने को बेताब था। जिन्हें भगवान के करीब जाने का मौका मिला, वो खुद को खुश नसीब मान रहे थे। हर साल की तरह ही इस कार्यक्रम की शुरुआत इस बार भी पारंपरिक विधि विधान के साथ हुई। आज सुबह सबसे पहले तीनों रथों की पूजा हुई और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ तक लाया गया। भगवान बलभद्र अपने रथ तालध्वज में विराजमान हुए, देवी सुभद्रा पद्म रथ में और भगवान जगन्नाथ अपने रथ नंदीघोष में विराजे। शंकराचार्य और दूसरे पुजारियों ने भगवान की पूजा की। इसके बाद पुरी के गजपति महाराज ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। पुरी के महाराज को ही भगवान जगन्नाथ का प्रमुख सेवक माना जाता है। भगवान की पूजा के बाद पुरी के राजा दिव्य सिंह देव ने छोरा पोहरा की परंपरा निभाई। इसमें गजपति महाराज ने रथ को चारों तरफ से सोने के झाड़ू से पोहारा। झाड़ू लगाने के बाद पुरी के राजा ने रथ के चारों तरफ चंदन मिश्रित जल का छिड़काव भी किया। आगे आगे राजा चल रहे थे और उनके पीछे मंदिर के पुजारी इस पवित्र परंपरा का हिस्सा बने रहे थे। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले ये रस्म निभाई जाती है। गजपति महाराज ने तीनों रथों की पूजा की और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रथों की परिक्रमा की। रथ यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया। लाखों भक्तों की भीड़ में बलभद्र का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। तीनों रथ धीरे धीरे गुड़ीचा मंदिर की तरफ बढ़ेंगे और तिथि और नक्षत्र के मुताबिक इस साल की यात्रा 2 दिनों में पूरी होगी। रथ यात्रा के अवसर पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस साल भगवान की रथ यात्रा नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव की शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इससे पहले 1909 और 1971 में ये शुभ संयोग बना था। पहले दिन की यात्रा सूर्यास्त के बाद रोक दी गई और फिर सोमवार को सूर्योदय के बाद ये यात्रा फिर से शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ के साथ करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। बीमार होने के बाद भगवान 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान स्वस्थ होकर बाहर निकले हैं। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जा रहे हैं।
इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सनातन परंपरा में रथ में शामिल होना ही अपार फलदायी माना गया है। पुरी में रथ यात्रा की यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। ये रथ यात्रा वो अवसर होता है जब भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के करीब आते हैं। रथ यात्रा में भक्तों को अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन नजदीक से करने का मौका मिलता है। भगवान का रथ खींचकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। ये वो पावन अवसर होता है जो भक्तों के लिए सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ साथ मोक्ष की राह भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है। सिर्फ पूरी ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व में भगवान के भक्त आज के दिन को खास पर्व के तौर पर मनाते हैं। पूरी के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में भी आज के दिन पवित्र रथ यात्रा निकाली जा रही है और अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली गई। अहमदाबाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। 16 किलोमीटर लंबी यात्रा सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलती है। कोलकाता में भी सीएम ममता बनर्जी रथ यात्रा में शामिल हुई। तेज बारिश के बावजूद इस रथ यात्रा में शामिल भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। गुरुग्राम में भी भगवान की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और जुलाई के महीने में ही देश के तमाम हिस्सों में बेतहाशा बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से कई घंटे तक रास्ता बंद रहा। बिहार उत्तर प्रदेश में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बेतहाशा बारिश ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन कुछ जगहों पर ये बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कुमाऊं से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक बारिश होने से नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के साथ चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री धावी ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कह दिया है। नैनीताल में 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद कैची धाम के पास शिप्रा नदी उफान पर है। प्रशासन सैलानियों से लगातार अपील कर रहा है कि नदियों के किनारे पर संभल कर जाएं। मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई जगह सड़कें मलबे से पट पड़ी है। धनौल्टी मसूरी मार्ग पर कफलानी के पास सैलानी परेशान दिखाई दिए। उधम सिंह नगर में तो बारिश की वजह से लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी जमा है और शहर से बाहर जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। बारिश के साथ ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशी मठ में तो पहाड़ी से नीचे आए बड़े बड़े पत्थरों ने रास्ता ही बंद कर दिया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशी मठ और गोविंद घाट के बीच जहाँ पे कि पहाड़ी से भारी मात्रा में ये मलबा आ गया है, बोल्डर आ गया है, पूरी सड़क को वॉकआउट कर दिया है। सड़क मार्ग को अंदर की तरफ से काटा जा रहा है, तब जाके यातायात एक बार फिर से सुचारू किया जाएगा। मार्ग के दोनों ओर मशीनें लगाकर मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी जो ये बोल्डर आए हैं बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें हटाने में अभी समय लग सकता है। वहीं इस तरफ देख सकते हैं हर कोई मार्ग पर फंसा हुआ है और ऐसे में लगातार मार्ग को खोल रहे हैं। अब सुबह से यहाँ पे जो तीर्थयात्री मार्ग बंद होने से पहले यहाँ पे पहुंच चुके थे वो लोग यहाँ पे फंसे हैं। उसके बाद तीर्थयात्रियों को जोशीमठ मारवाड़ी में रोका जा रहा है, उन्हें वहीं पे रोका गया है और वहीं गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ऐसे में मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। मौसम ने राहत दी है क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में मार्ग खोलने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो तीर्थयात्री है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हर कोई अब मार्ग खुलने का इंतजार कर रहा है क्योंकि मार्ग खुले तो वो हेमकुंड, फूलों की घाटी और बद्रीनाथ की यात्रा पर जा सके।
उत्तराखंड ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश लोगों को परेशान कर रही है। नेपाल की तरफ से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से बिहार के दियारा में 150 से ज्यादा किसान बाढ़ में फंस गए। SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी किसानों का रेस्क्यू किया। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ने राहती कैंप भी लगा दिए हैं। पानी कल से बढ़ता 50-60 आदमी रेता में घेराई रहा। रेता मतलब दियारा में काम कर दियारा में काम करने गया था। अच्छा, उसके बाद 30 आदमी आ गया और 30 आदमी उधर ही अभी जनता हाय चिल्लाया चाहे जा चिल्ला, कोई यहाँ सुनवाई नहीं करता है। MP MLA चाहे कोई भी चेयरमैन हो वार्ड कमिश्नर हो, कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसे इस स्थिति में है। अभी देखिए हमारे खेतों में पानी चला गया है, जो बिजाई की है हम लोग वो तो मिट्टी जाएगी, वो दब जाएगा अंदर। हम लोग तो ऐसे ही बेरोजगारी के माहौल में जी रहे हैं, ऐसे में हमारी ये पानी आके और क्षति पहुँचाती है। बिहार के शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार बारिश की वजह से शिवहर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ देख प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। योगी सरकार ने बाढ़ और बारिश से निपटने की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और पूरे महकमे को 24 घंटे तक अलर्ट रहने का निर्देश भी दे दिया है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गोपालगंज से विकास दुबे और शिवहर से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और महाराष्ट्र के पालघर में बारिश की वजह से 16 लोग मुसीबत में फंस गए। ज्यादा पानी भर जाने की वजह से लोग खेतों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसकी खबर मिलते ही NDRF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रबर बोट की मदद से NDRF के जवान इन लोगों तक पहुंचे और सभी 16 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया। उस गांव तालुका वसई जिला पालघर में 16 मजदूर जो कि तानसा नदी के उस पार खेती में काम करने गए थे, तानसा नदी में आई अचानक बाढ़ में वो फंस गए और जिसकी वजह से उनको बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे समय में जिला आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी श्री विवेकानंद कदम द्वारा NDRF टीम को सूचना दी गई और NDRF टीम उसी समय यहाँ से मार्च करके घटनास्थल पर पहुँच गई, जहाँ पहुँच कर टीम ने अपना बचाव कार्य शुरू किया जिसमें सभी 16 मजदूरों को सुरक्षित वहां से बचाया गया। और जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंक पर करार प्रहार किया है। 2 एनकाउंटर में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया। ये ऑपरेशन 2 दिनों तक चला। जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम लगाने की दिशा में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब। कुलगाम में 2 एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से सेना के जवानों ने आतंक पर करारा प्रहार किया है। पुलिस और सेना ने मिलकर कुलगाम में मेगा ऑपरेशन चलाया। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही जवानों ने कुलगाम के कुछ इलाकों में घेराबंदी कर दी। ऑपरेशन शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में कुछ घंटों के लिए ऑपरेशन को रोक दिया गया, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर आतंकियों की छानबीन शुरू कर दी गई। आतंकियों ने घने जंगलों को अपना ठिकाना बना रखा था, लेकिन पुलिस और सेना के जवानों ने इन्हें जंगलों में भी ढूंढ निकाला। आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की तो जवानों ने भी आतंकियों को सबक सिखा दिया। कुलगाम के मंदर गांव में कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वही चीनी गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है।
हम एक एनकाउंटर की लोकेशन पे हैं, चिनेगाम ये गांव है और यहां पे सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है क्योंकि यहां चार हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोकल मिलिटेंट है उनको मार गिराया गया है और मेरे पीछे से आप देख सकते हैं अभी भी जो ऑपरेशन है चल रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन है सेना पुलिस और सीआरपीएफ का। और अगर इस इलाके की बात करें अभी भी कॉर्डन जो है वो इंटैक्ट है, इसका मतलब है कि सेना को अभी भी ये शक है कि कुछ मिलिटेंट और इस इलाके में छुपे हुए हैं। निशंदे ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए। ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। आतंकियों की हिमाकत का तीसरा मामला राजौरी से सामने आया है। यहां आतंकियों ने आर्मी की एक पोस्ट पर फायरिंग की और अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। इस हमले में सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया। हमले के बाद सेना और पुलिस के जवान इस इलाके में आतंकियों की तलाश में जुट गए। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों को बढ़ावा देने की कोशिश के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इस एनकाउंटर में सेना को अपने दो जवानों को भी खोना पड़ा। एनकाउंटर में छह आतंकियों को ढेर करके सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ दी है। अब सुरक्षा बल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे आतंकी किसी एक ही तंजीम से जुड़े हुए तो नहीं थे या फिर कई तंजीमों ने मिलकर इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर से हामिद द्वीप के साथ अशरफ वानी, ब्यूरो रिपोर्ट, विदेश विभाग। और इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर मिलते ही आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।